मोबाइल की दुनिया में आजकल एक एक नया टर्म बहुत उछल रहा है, उसको कहते हैं ई सिम। तो आखिर क्या है ये ई सिम? तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, तो इसमें आपको पूरा पता लगेगा ई सिम है क्या और किस तरह इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो हेलो दोस्तों, अर्थ स्पीक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। एप्पल ने अपने दो फोन आईफोन XS और आईफोन XS+, इन दोनों में ई सिम का ऑप्शन दिया हुआ है। दोनों डुअल सिम फोन है। और इसके अलावा गूगल पिक्सल 2, उसमें भी ई सिम का ऑप्शन दिया गया है। ई सिम को EUICC यानी एम्बेडेड यूनिवर्सल इंटीग्रेटेड सर्किट कार्ड के नाम से भी जाना जाता है। अभी तक जो सिम कार्ड आते थे नॉर्मल नैनो या माइक्रो या स्टैंडर्ड सिम कार्ड्स, ये उनसे बिल्कुल अलग होता है। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आप सभी को इस सिम के बेनिफिट्स बता देता हूं। इस सिम के फायदे ये कि एक तो फिजिकल सिम की जरूरत नहीं पड़ती इसमें, और बहुत सारे सिम के प्रोफाइल आप एक साथ सेव कर सकते हैं किसी भी डिवाइस में, और सिमिलर डिवाइस पे बहुत सारे ई सिम आप यूज कर सकते हैं, और साथ ही साथ बहुत सारे डिवाइसेस को इंटरकनेक्ट भी कर सकते हैं इसके माध्यम से। इनोवेशन से चेंजेस होते हैं और चेंजेस से ही इनोवेशन होते हैं। इसी तरह टेक्नोलॉजी में कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं, और लेटेस्ट जो चेंज है वो, या इनोवेशन आप कह सकते हैं, वो है ई सिम। नॉर्मल सिम से ई सिम इस तरह डिफरेंट है कि नॉर्मल सिम पहले हम दुकानों से परचेज करते थे या सर्विस प्रोवाइडर से परचेज करते थे, उसके बाद उसको मोबाइल के अंदर इंसर्ट करना पड़ता था। और अगर हम डिवाइस चेंज करते हैं तो हमको सिम भी निकाल के बदलना पड़ता था, या अगर हम ऑपरेटर चेंज करते हैं तो भी हमको सिम को दूसरा प्रोवाइडर से लेना पड़ता था। लेकिन ई सिम में आपको ऐसा नहीं करना। दरअसल एक चिप होती है जो कि सिम में परमानेंटली कंपनी इंस्टॉल कर देती है। उसमें आप ऑपरेटर को अपने हिसाब से चेंज करना चाहे तो चेंज कर सकते हैं। डिफरेंस ये है कि यहाँ पर आपको सिम परचेज नहीं करना पड़ता, आपको ई सिम एक्टिवेशन किट लेनी पड़ती है, और जो आपका एम्बेडेड सिम होता है उसी में चेंज होती रहती है प्रोफाइल। आप प्रोफाइल उसमें चेंज कर सकते हैं, एक साथ कई कंपनियों का प्रोफाइल भी आप उसमें रख सकते हैं, और जब जिसकी जरूरत हो आप उस कंपनी की प्रोफाइल एक्टिवेट कर सकते हैं। हालांकि एक समय में एक ही प्रोफाइल काम करेगी, लेकिन उसको आप बहुत सारी डिवाइसेस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि छोटे से छोटा गैजेट, जैसे कि आपका हेल्थ स्ट्रैप्स आते हैं, या आपका हेल्थ इक्विपमेंट्स आते हैं, या घड़ियां आती है छोटी सी, उसमें भी आप ई सिम का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि स्पेस घेरते ही नहीं। ये तो एक वर्चुअल कार्ड हो गया, सिर्फ आपको कंपनी से परचेज करना है, उसके बाद QR कोड को आपको स्कैन करना है अपने मोबाइल से, उसके साथ ही आपको एप्लीकेशन उस कंपनी का डाउनलोड कर लेना है मोबाइल के अंदर, और डाउनलोड करके आप उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। फिर इस तरह से ई सिम डिफरेंट है हमारे फिजिकल सिम से। हालांकि अभी इंडिया में सिर्फ एयरटेल और जियो दो ही कंपनियां हैं जो कि ई सिम प्रोवाइड करवा रहे हैं, और एप्पल एकमात्र कंपनी, दूसरी गूगल, जो कि इस तरह के इक्विपमेंट्स या ऑपरेटर्स आपको उपलब्ध करवा पा रही है। और कुछ इसकी कमियां भी हैं, चूंकि अभी बहुत ही लिमिटेड अवेलेबिलिटी है, मतलब उपलब्धता बहुत कम है, और कंज्यूमर्स में भी इस चीज की नॉलेज भी बहुत ज्यादा कम है, और जो डिवाइसेस हैं बहुत ही लिमिटेड है। दो या तीन डिवाइस ही अभी आ रहे हैं जिसमें कि ई सिम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह की ई सिम की अपनी भविष्य तो बहुत अच्छा है, लेकिन लिमिटेशंस और बेनिफिट्स दोनों ही है। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है आज का वीडियो आप सभी को ई सिम का कॉन्सेप्ट क्लियर करने में बिल्कुल अच्छे से सफल रहेगा, और आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसका बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मेरे हर नए वीडियो की जानकारी पहले मिल सके। दबा रखा है, थैंक यू वेरी मच। उसके बाद वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए, और मेरे बहुत सारे वीडियोस मिलते हैं, आप देखते रहिए और कमेंट करके बताइए और किस तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं। और आज का वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का आपका दिन शुभ, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।